हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति कमल ब्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम हेल्दी और रिच प्रोटीन से भरी डिश, जिसका नाम है बनाना पेन के, वो भी बिना मैदा के। आज मैं इसे बना रही हूँ गेहूं के आटे से, जो बिल्कुल नुकसान नहीं करता है और बच्चों के लिए एकदम बढ़िया नाश्ता है ये, जिसे आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी इसको बना के दे सकते हैं। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं बनाना पैनकेक। तो यहाँ पर मैंने दो बनाना लिए हैं और मैंने पके हुए बनाना लिए हैं, तो इन सबको मैं अच्छे से मैश कर दूंगी। यहाँ पर केले को बहुत अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब मैं इसको इस बाउल में डाल दूंगी। इसी के साथ इसे गेहूं के आटे से बना रही हूं मैं, तो यहाँ मैदा के यूज मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूं। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच गेहूं का आटा मैं लूंगी, बड़े चम्मच, 3, 4, ये 4 चम्मच आटा मैंने ले लिया है। अब मैं इसको अलग हटा के रख देती हूँ, इसको मुझे अभी मिक्स करना। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच चीनी ली है और 4 बादाम, 4 काजू और ये 2 इलायची। इन सबको मैं जार में लेके पीस लूंगी इकट्ठा करके और फिर मुझे इस मिक्सर के अंदर इसको डालना है। तो यहाँ पर मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को पीस लिया है। अब इसको लेकर मैं इसमें डाल दूंगी। अब मुझे इस सबको अच्छे से मिला देना है। अब इसके लिए चाहिए दूध, तो यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसको मैं धीरे धीरे करके इसमें मिलाऊंगी। इसका घोल हमें पतला नहीं रखना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, जैसे हम पकौड़े का बैटर तैयार करते हैं उस तरीके से। अगर पतला हो जाएगा तो ये अच्छा बनेगा नहीं। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत गाढ़ा है। तो मैं यहाँ पर दूध और मिला देती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ज़्यादा पतला नहीं हो जाए, तो इतना काफ़ी है। अच्छे से हम मिला लेंगे सभी को और देखिए बहुत अच्छा ये बैटर बनके तैयार हुआ है। 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से हम छोड़ देते हैं जब तक। और मैं इसे बना रही हूँ लोहे के तवे पे, तो मैंने तवा रख दिया है गैस पर। तो अब हम 1 मिनट बाद इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। अब बैटर बिल्कुल तैयार है ये, लेकिन बनाने से पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, जिसे खाना सोडा भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 1 पिंच और 1 पिंच और ये 2 पिंच मीठा सोडा डाल ली हूँ और इसको अच्छे से मिला दूंगी। ये तवा लोहे का है, गरम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ये घी डाल रही हूँ, इसको मैं घी में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर घी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ये बैटर लेके इसके ऊपर डाल दूंगी और जितना बड़ा, जिस साइज का आपको बनाना है आप उस साइज का बना सकते हैं इसे। तो हमको थोड़ा मोटा ही रखना है इसे, पतला नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से ये पूरे पे मैंने इसको राउंड शेप में कर दिया है, गोल। अब धीरे धीरे इसको सेकना है। इसको धीरे से पलट देंगे। देखिए ऐसे फूल गया है ये। आप चाहे तो ऐसे यहां पर साइड में भी
तेल इसको घी को लगा सकते हैं ताकि नीचे का जो है वो भी अच्छे से सिक जाए। तो धीरे धीरे से इसको इस तरह से दबाएंगे हम लोग। तो देखिए पैनकेक बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे पैनकेक बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से पैनकेक ये बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं सारे पैनकेक मैं बना लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे पैनकेक्स बनकर तैयार हो चुके हैं और इनका एक नया नाम मैंने दिया है देसी बनाना पैनकेक, क्योंकि मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में इसको बनाया है, गेहूं के आटे से बनाया है। तो आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मलाई है, इसको मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए और बताइए आप, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।